हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि कॉलेज प्लांट्स को घना और सुंदर कैसे बनाएं और उसकी कटिंग और केयर कैसे करें। आइए देखते हैं लास्ट तक पूरा वीडियो। ये देखिए कॉलेज की कुछ वैरायटी और कलर आप देख सकते हो। ये देखिए मेरे पास कॉलेज प्लांट्स के कुछ वैरायटी और कलर है। मेरे पास कॉलेज के 5 प्लांट्स हैं जो कि अलग अलग कलर में हैं, आप देख सकते हो। इसको घना और सुंदर कैसे बनाएं, ये देखिए। अगर घना प्लांट्स को अगर बनाना है तो इसके ऊपर से फिंचिंग और कटिंग करते रहिए। ये देखिए मैंने इस तरह कटिंग करी है जिससे और भी ब्रांचेस निकलती रहेगी और प्लांट्स घना होगा। ये आप देख सकते हो मैंने सारे प्लांट्स की कटिंग कर दी है ऊपर से। अगर आप फिंचिंग भी करोगे उसमें भी बहुत सारी ब्रांचेस निकलती रहती है। ये देखिए इस तरह छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती रहती है। आप जितनी कटिंग करोगे उस तरह नीचे से ब्रांचेस निकलती रहेगी और आपका गमला जल्दी भरेगा। ये देखिए मैंने छोटी से छोटी कटिंग ले ली है कॉलेज प्लांट्स की, अलग अलग कलर की। मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ। अगर आप इसकी पत्तियाँ निकाल कर लगाओगे तो और भी जल्दी ग्रोथ होगी और प्लांट से जल्दी लगेगा। ये देखिए मैंने कुछ समय पहले लगाए थे, इसको 1 हफ्ता हो गया है और आप देख सकते हो इसकी ग्रोथ और कितना अच्छी हो रही है, कितनी जल्दी लग गया है। ये देखिए इस तरह आप भी लगा सकते हो। इसको डायरेक्ट मत लगाइए, अगर आपकी गमले की मिट्टी है गीली है तो आप लगा सकते हो इसको डायरेक्ट, लेकिन अगर आपकी गमले की मिट्टी ड्राई और सूखी हुई है तो मत लगाइए, जिससे उसके नीचे की रूट से टूट जाएगी, जिससे उसकी ग्रोथ और कटिंग नहीं लगेगी, जिससे आपका फिर कमेंट्स आएगा कि हमने 1 हफ्ता हो गया कटिंग लगाई थी कॉलेज प्लांट से की, अभी तक उसकी ग्रोथ और कटिंग नहीं लगी। तो उसका यही कारण है जिससे उसके नीचे की रूट से टूट जाती है, जिससे उसकी ग्रोथ नहीं होती है। तो आप इस तरह लगा सकते हो गमले की मिट्टी गीली करके, जिससे जल्दी लग जाएगा। ये देख सकते हो मैंने एक ही गमले में बहुत सारे कलर लगा दिए थे। ये देखिए इसकी कटिंग मैं नहीं लूँगा, जिसमें इसकी ब्रांचेस कम है इसलिए इसकी कटिंग मैं नहीं लूँगा। ये देख सकते हो अब इसमें ऐसी फिंचिंग और कटिंग करते रहोगे तो इसमें नई नई ब्रांचेस आती रहेगी। इसका भी मैं वीडियो शेयर करूँगा आपको 1 हफ्ते बाद, जिसमें इसमें नई ब्रांचेस आ जाएगी तब आपको मैं इसका वीडियो शेयर करूँगा। ये देखिए एक और मैंने कटिंग ले ली आपको दिखाने के लिए कि इतनी सी कटिंग भी लग जाती है बहुत आसानी से। बस इसके नीचे की मैंने पत्ती निकाल ली है और इस तरह आप भी लगा सकते हो छोटी सी कटिंग। मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ। ये देखिए इस तरह लगा दीजिए, बहुत आसानी से लग जाता है। ये देखिए मैंने कटिंग लगा दी है। अब इस गमले को मैं छाया में रख दूँगा 1-2 हफ्ते के लिए, जिसमें नई रूट्स और नई पत्तियाँ ना आ जाए, तब तक मैं इसको छाया में रखूँगा। ये देखिए मैंने छाया में रख दिया है। ये देखिए मेरे पास कॉलेज के प्लांट्स 5 है जो भी अलग अलग कलर के हैं। हेलो फ्रेंड्स, अगर इस चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो जल्दी मिल जाए। ये देखिए इस तरह ब्रांचेस निकलती रहती है, जितनी आप कटिंग करोगे उतनी ब्रांचेस निकलती रहेगी। थैंक यू फ्रेंड्स।